इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपके एग्ज़ाम होने तक करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ़ कॉयल पिच इज लेस देन पोल पिच। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फुल पिच वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है हाफ पिच वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग और चौथा ऑप्शन है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि कॉयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सीरीज रेसिस्टर कनेक्टेड विथ अ होल्डिंग कॉयल इन डीसी फोर पॉइंट स्टार्टर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी फोर पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े सीरीज रेसिस्टर का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉयल, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉयल, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल और चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉयल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल से जुड़े सीरीज रेसिस्टर का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर मेथड, दूसरा ऑप्शन है फील्ड टैपिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड और चौथा ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फील्ड डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द शंट फील्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद द होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड कॉइल को होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करंट और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड में खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड कॉइल को होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड में खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा बदलने से ही रोटेशन की दिशा क्यों बदलती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेंटेन रेटेड स्पीड, मतलब निर्धारित गति बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए, और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मतलब मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा बदलने से रोटेशन की दिशा क्यों बदलती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड इन अ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण विधियां सामान्य गति से कम गति प्रदान करती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर कंट्रोल मेथड और चौथा ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल, मतलब गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण विधियां सामान्य गति से कम गति प्रदान करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं हर एक क्लास में, इसके पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearnitr.in, इसमें भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ।
जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई आर स्टार्टर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में डीसी मोटर शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है? इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, मतलब फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है स्मूथ ऑपरेशन, मतलब स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडस्ट्री में डीसी मोटर शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड्यूस द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन, कौन सी इंसुलेशन मटेरियल क्लास बी इंसुलेशन से संबंधित है? इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा बाम्बू, तीसरा फाइबर ग्लास और चौथा ऑप्शन है लेदराइट पेपर, मतलब चमड़े जैसा कागज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी इंसुलेशन मटेरियल क्लास बी इंसुलेशन से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 105 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 155 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्लास एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियंत्र गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नियंत्र गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन एलिवेटर्स, लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा डीसी शंट मोटर, तीसरा डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और चौथा ऑप्शन है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर, तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से कम देती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर मेथड, दूसरा ऑप्शन है टैप फील्ड मेथड, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज कंट्रोल मेथड और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति से कम देती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेसिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग, यदि रनिंग के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोटर स्टॉप, मतलब मोटर बंद हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है रेड रन एट स्लो स्पीड, मतलब धीमी गति से चलने लगेगा, तीसरा ऑप्शन है रन एट वेरी हाई स्पीड, मतलब बहुत तेज गति से चलता है और चौथा ऑप्शन है रेट एट रिवर्स डायरेक्शन, मतलब उल्टी दिशा में चलता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि यदि चलने के दौरान, मतलब रनिंग के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रन एट स्लो स्पीड, मतलब कम गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर, डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर रिएक्शन से बचाता है, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, मतलब आर्मेचर को ओवरलोडिंग से बचाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूलेटर सेगमेंट, मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूलेटर सेगमेंट, मतलब कम्यूलेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीरीज मोटर स्टार्टिंग में बिना लोड के उच्च टॉर्क और गति को क्यों उत्पन्न करती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, मतलब बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के लिए। दूसरा ऑप्शन है लोड करंट फ्लो थ्रू फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर सेम, मतलब आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाउंड विथ थिक वायर, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से लपेटा गया है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीरीज मोटर स्टार्टिंग में बिना लोड के उच्च टॉर्क और गति क्यों उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, मतलब बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, मतलब स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, मतलब मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, मतलब मोटर की गति को कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, आर्मेचर को बैलेंसिंग करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा ऑप्शन है डायनामिक बैलेंसिंग, तीसरा ऑप्शन है अटैच विथ काउंटर बैलेंसिंग, मतलब काउंटर बैलेंसिंग के साथ जुड़ा होना, और चौथा ऑप्शन है प्लग्ड विथ लीड वेट बैलेंसिंग, मतलब लीड लोड बैलेंस के साथ प्लग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायनामिक बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स, डीसी स्टार्टर्स की शुरुआती प्रतिरोध के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है यूरेका, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा मैग्नीन, चौथा ऑप्शन है कॉन्स्टेंटन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर्स के शुरुआती प्रतिरोध के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कॉन्स्टेंट स्पीड अंडर वेयरिंग लोड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी डीसी कंपाउंड मोटर अलग अलग लोड के तहत स्थिर गति से संचालित होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, दूसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी डीसी कंपाउंड मोटर अलग अलग लोड के तहत स्थिर गति से संचालित होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डोज द नो वोल्ट कॉइल कनेक्ट टू अ थ्री पॉइंट स्टार्टर विद अ डीसी शंट मोटर। नो बोल्ट कॉइल डीसी शंट मोटर के साथ थ्री पॉइंट स्टार्टर से कैसे जुड़ती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्ट कनेक्टेड टू सप्लाई, मतलब डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, मतलब आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन है कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, मतलब आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड के साथ सीरीज से जुड़ा होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नो वोल्ट कॉयल डीसी शंट मोटर के साथ थ्री पॉइंट स्टार्टर से कैसे जुड़ी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, मतलब शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इन इंसुलेटर, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्राम में दिखाए गए आर्मेचर वाइंडिंग कौन से प्रकार का है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, और चौथा ऑप्शन है क्वाड्रप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि डायग्राम में दिखाए गए आर्मेचर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इंसुलेटेड, तो स्क्रीन पर दिखाए गए आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर दिखाया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओपन कॉइल टेस्ट, दूसरा ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट,
तीसरा शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, और चौथा ऑप्शन है शॉर्ट टर्न शॉर्टेड कम्युलेटर टेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रावलर परीक्षण परीक्षण चित्रण डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपन कॉइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो बिलो नॉर्मल एंड अबो नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी मोटर में सामान्य से कम और सामान्य से अधिक गति दोनों प्राप्त करने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि लागू की जाती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, तीसरा टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन है वार्ड लेनार्ड स्पीड कंट्रोल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर में सामान्य से कम और सामान्य से अधिक गति दोनों प्राप्त करने के लिए कौन सी गति नियंत्रण विधि लागू की जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वार्ड लेनार्ड स्पीड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कम्युलेटर्स कम्युमेटर्स स्पार्किंग हेविली, कम्युकेटर जोर से स्पार्क क्यों करता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट ब्रश पोजिशन, दूसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और चौथा ऑप्शन है इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम्यूटेटर जोर से स्पार्क क्यों करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट ब्रश पोजिशन, मतलब गलत ब्रश की स्थिति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर, एक रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है, जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है असिस्ट द अप्लाई वोल्टेज, मतलब अप्लाई वोल्टेज की सहायता करता है, दूसरा ऑप्शन है अपोजेस द अप्लाई वोल्टेज, मतलब अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट को कम करता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर, एक रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपोजेस द अप्लाई वोल्टेज, मतलब अप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट टू इसमें 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearnitr.in, इसमें जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।